हेलो नमस्कार। कैसे पता लगाएं कि एक औरत ऑर्गेज्म तक पहुंच चुकी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे मैं पता लगाऊं कि जिस हिसाब से मैंने सेक्स किया है मेरी वुमेन उससे सैटिस्फाइड है, मेरी फीमेल मेरी वाइफ को ऑर्गेज्म मिल गया है, वो खुश है, कैसे पता लगाएं? क्योंकि बहुत बार मेल्स में ये एक ईगो का क्वेश्चन होता है, ये एक अच्छेपन का एक प्लेजर का फीलिंग होता है कि मैंने लड़की को चरम सुख तक पहुंचाया है। कैसे पता लगाएंगे, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही हैं, तो कैसे इसको पता लगाएंगे, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक मनोवैज्ञानिक हूं, सेक्सुअल काउंसलिंग कर रही हूं पिछले 10 साल से, और इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वुमेन को अगर ऑर्गेज्म फील नहीं हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेज्म हुआ है, या मेल कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरी फीमेल पार्टनर में ऑर्गेज्म है, इस वीडियो के माध्यम से पता लगाते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें, और एक मजेदार वीडियो आपका इंतजार कर रही है। चलिए, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेज्म कैसे आएगा और कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेज्म आया है। सबसे पहले जानेंगे ऑर्गेज्म क्या है। ये एक तरह का प्लेजरेबल फीलिंग है जो एक वुमेन को एक्सपीरियंस होता है आफ्टर सेक्स एंड आफ्टर मास्टरबेशन। तो मेल्स में क्या होता है कि जब वो डिस्चार्ज कर देते हैं तो उन्हें वो फील आता है दैट दे हैव रीच्ड टू देयर पोजीशन। ऐसी फीमेल में जब उनको प्लेजरेबल फीलिंग आती है उसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं। लेकिन मेल में तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि उनकी बॉडी डिस्चार्ज करती है। फीमेल में बहुत बार नहीं हो पाता है क्योंकि एक फीमेल को मल्टीपल ऑर्गेज्म्स हो सकते हैं सेक्स के दौरान। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ऑर्गेज्म की साइकिल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब एक फीमेल धीरे धीरे सेड्यूस होती है या वो सेक्स लाइफ एंजॉय करने पर पहुंचती है तो एक पीक फेज आता है जिसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट। जैसे ही एक्साइटमेंट तक पहुंचती है उसके बाद एक प्लैटू आता है, मतलब अब वो रेडी है सारी एक्ट्स को एंजॉय करने के लिए। इसके अंदर आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, फोरप्ले कर सकते हैं, एनल सेक्स कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि वो एक एक्साइटेड पोजीशन पर है, प्लैटू आता है। लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, जीरो से एक्साइटेड करने के लिए आपको मेंटल और सेक्सुअल स्टिमुलेशन फोरप्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो प्लैटू तक पहुँचेंगी यहाँ पर अब उनकी बॉडी ट्विच करेगी, मतलब उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एक्सेसिव ब्रीदिंग होने लगेगी, सांस चढ़ने लगेगी, वो हो सकता है आहें ले सकती हैं, और उसके बाद फेज आता है ऑर्गेज्म का। ऑर्गेज्म एक हाई पीक प्लैटू है जब वो हाईली एक्साइटेड होती हैं और अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करती हैं। उसके बाद फेज आता है रेजोल्यूशन का, मतलब ढलान का। रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप वो रिलैक्स करना चाहती हैं और अब वो फिर से प्रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, मे बी कुछ सेकेंड्स का टाइम, तब तक उन्हें नेक्स्ट ऑर्गेज्म आए। तो फिर ये प्रॉपर पीक है। यूजली हम ऑर्गेज्म को किसी भी मशीन से या किसी भी एक्टिविटी से नहीं देख सकते, लेकिन एक ही चीज़ है जिससे आप असेस कर सकते हैं, वो है उनकी बॉडी मूवमेंट्स। आप बहुत बार ये देख पाएंगे कि वो एक नई दुनिया में है, आंखें बंद करे हुए हैं, या फिर वो कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, या फिर साथ साथ उनका उनके बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल धड़क रहा है, गर्म हो गई है वो, है ना, या फिर बॉडी रिलैक्स कर ली है। इसमें आप समझ सकते हैं कि एक वुमेन ऑर्गेज्म तक पहुंची है। ऐसा भी है कि ऐसी कोई फीमेल नहीं होती जिसने अपनी लाइफ में कभी भी ऑर्गेज्म फेक नहीं किया होता। बहुत सी फीमेल छूटा ऑर्गेज्म दिखाती हैं ताकि उनके मेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और उन्हें बार बार सेक्स की तरफ ना ढकेला जाए। लेकिन अगर आप एक अच्छी मेल हैं तो अपने वुमेन के ऑर्गेज्म को समझ कर ही उनके साथ नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, और ये वीडियो आपको उसमें हेल्प करने वाली है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से डाउट मैं क्लियर कर पाई होंगी। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बहुत जल्दी एक और नई वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो ऑर्गेज्म से जुड़े हैं, और एक सही ऑर्गेज्म तक पहुंचाने की क्या ऐसी एक्टिविटी है या प्रक्रिया है जो हमें करनी चाहिए, उस वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के नाम से कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए drnehamehta.com, drnehamehta.com पर बुकिंग कर सकते हैं।